हेलो एवरीवन, शेयर बाजार के दिग्गज राकेश झुनझुनवाला भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट पर बड़ा दांव खेल रहे हैं। 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट से नई एयरलाइंस अकासा शुरू करना चाहते हैं राकेश झुनझुनवाला। देश में हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और लोगों के इस ट्रेंड को भुनाने के लिए दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला अगले 4 साल में 70 एयरक्राफ्ट के साथ एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करना चाहते हैं। झुनझुनवाला इस नई एयरलाइंस कंपनी में $3.5 करोड़ का निवेश करना चाहते हैं। उनकी योजना है कि एयरलाइंस कंपनी में 40% हिस्सेदारी उनकी हो और अगले 15 दिन में राकेश झुनझुनवाला भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय से इस बारे में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC लेना चाहते हैं। राकेश झुनझुनवाला की योजना भारत में लो कॉस्ट एयरलाइन शुरू करने की है, जिसका नाम एक्सा एयर रखा जाएगा। उनकी इस नई एयरलाइंस में डेल्टा एयरलाइंस के पूर्व सीनियर एग्जीक्यूटिव जैसी पूरी टीम रहेगी। यह टीम ऐसे फ्लाइट को देख रही है जिसमें एक बार में 180 लोग विमान यात्रा कर सके। राकेश झुनझुनवाला का मानना है कि भारत में मध्य आय वर्ग के बहुत से लोग अब यात्रा करने के लिए लो कॉस्ट एयरलाइंस की मदद लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अच्छी सुविधा मिले तो लोग एक नई लो कॉस्ट एयरलाइंस में यात्रा करना जरूर पसंद करेंगे। झुनझुनवाला ने कहा कि किसी कंपनी की बेहतर छवि बनाने और उसके स्टाफ का मनोबल ऊंचा रखने के लिए एक नई संस्था बनाई जानी चाहिए और उन्हें भारत के एविएशन सेक्टर की मांग पर पूरा भरोसा है। कोरोना संकट से पहले भी भारत में एयरलाइंस कंपनियों का कारोबार काफी प्रभावित हुआ था। देश में घरेलू करियर के मामले में कभी दूसरे नंबर पर रही किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड का साल 2012 में कामकाज बंद हो गया था, जबकि जेट एयरवेज लिमिटेड साल 2019 में कलैप्स कर गई थी, जिसे हाल में ही दोबारा उड़ान भरने की मंजूरी मिली है। कोरोना संक्रमण की वजह से दुनिया भर में एयर ट्रेवल पर असर पड़ा है और कोरोना के तीसरे चरण के संक्रमण की वजह से यह संकट लंबा खींचने की आशंका जताई जा रही है। भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता एविएशन बाजार माना जा रहा है, जिसकी वजह से राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज निवेशक इस सेक्टर में बन रहे मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।